हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, आप देखिए इसमें यहां पर क्रिकेट और फुटबॉल दो स्पोर्ट्स मैंने लिखा है। जब मैंने ये टेबल क्रिएट किया है तो मैं दिखा देता हूं आपको टेबल कैसे बनाया मैंने। यहां पर डिजाइन व्यू पे लेके इसे बनाया है और जब ये बन जाता है तो इसमें बहुत सारे प्लेयर्स के नाम मैंने डाले हैं, आईडी मैंने डाली है और यहां पर स्पोर्ट्स का नाम जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, फिर यहां क्रिकेट है, चलिए यहां पे वॉलीबॉल डाल देते हैं, वॉलीबॉल तो ये लिख दिया वॉलीबॉल। और जैसे ही एंटर करते हैं तो यहां पर लगा हुआ है वैलिडेशन रूल। प्रॉब्लम ये है कि ये कह रहा है आप या तो क्रिकेट एंटर कीजिए या फुटबॉल एंटर कीजिए, इसके सिवाय दूसरा कुछ एंटर नहीं कर सकते। अभी ये कैसे किया मैंने वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्रिएट पे चलते हैं, टेबल पे चलते हैं, या अगर टेबल पे यहां से व्यू पे जाना है और व्यू पे जाने के बाद इस टेबल को कोई भी नाम दे दीजिएगा। फिलहाल यहां पे आईडी है, यहां पे लिखता हूं नेम ऑफ प्लेयर्स, NAME name underscore of underscore players PLAYERS name of players हो गया। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पे स्पोर्ट्स कर देते हैं, कौन से स्पोर्ट्स की बात हो रही है वो कर देते हैं। और यहां पर क्या दे देंगे, जो भी आपका स्पोर्ट्स है वो दे दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी दे देंगे, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन से स्पोर्ट्स को अलाउ करना है तो वैलिडेशन रूल में आपको जाना होगा और यहां पे लिखना होगा, क्या लिखना होगा, यहां पे लिखिएगा क्रिकेट CRICKET, ये क्रिकेट हो गया, और लगाइएगा FOOTBALL फुटबॉल हो गया, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में से कोई एक ही आए तो ये हमने दे दिया। और अब यहां से इस पे क्लिक करके ओके कर दिया। तो अभी यहां पर जब हम जाते हैं तो प्लेयर का नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए प्लेयर का नाम है गौरव, तो ये गौरव दे दिया। और यहाँ पे स्पोर्ट्स में हम हॉकी लिखने की कोशिश करते हैं, हॉकी, तो ये लिखा हॉकी। और जैसे ही एंटर करेंगे तो फिर वही दिक्कत, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीके का वैलिडेशन लगाना हो आसानी से लगा सकते हैं आप। देखिए यहां पर मैं अगर क्रिकेट लिख देता हूं तब क्या होगा, क्रिकेट लिख दिया, अब देखिए क्रिकेट तो एक्सेप्ट कर गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखता हूं मनोज, एक और प्लेयर का नाम लिख दिया, और यहां पे क्रिकेट के अलावा और क्या था, फुटबॉल था, तो फुटबॉल कर देते हैं, फुटबॉल, तो ये हो गया फुटबॉल। और फुटबॉल भी एक्सेप्टेबल है, देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट कर जा रहा है, लेकिन इसके सिवाय कुछ नहीं एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पर एक और नाम बबलू लिखते हैं, बबलू, और यहाँ पर जो है कोई हॉकी, जैसे हॉकी लिखते हैं, तो ये देखिए हॉकी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आसानी से ये वैलिडेशन लगाया जा सकता है, ठीक है, ओके।